लोग, ये मेरा भाई है पीछे और यहाँ पर ये मेरी बहन है, तो हम लोग यहाँ पर घूमने आए हैं, आज फोटो शूट करने आए हैं। हम लोगों ने सोचा कि रक्षाबंधन पे आज कहीं घूम के आते हैं, तो हम लोगों के घर में तो फोटो अच्छे आते नहीं, तो हम लोगों ने सोचा कि बाहर फोटो शूट करके आते हैं। ये मेरा भाई फोटो खिंचा रहा है, शर्मा गया है और ये फोटो खींच रही है, तो वो हट गया है वीडियो के चक्कर में। तो आप यहाँ पर आइए, फोटो शूट कराइए। यहाँ पर देखिए खजूर के पेड़ है, बहुत ही अच्छा अच्छा। यहाँ पर लोग टहलने के लिए आते हैं, वॉकिंग एरिया बहुत ही अच्छा है यहाँ देखिए, और यहाँ पर बिल्कुल शांति का माहौल है। तो आप यहाँ पर टहलने आइए, यहाँ का बहुत ही अच्छा माहौल है। तो अभी हम घर जाएंगे तो आपको रोड का भी एरिया दिखाएंगे। तो देखिए यहाँ पर बहुत ही अच्छा अच्छा बैकग्राउंड है, फोटो खींचेंगे अभी हम लोग, तो आपको हम इसी में दिखाएंगे। करेली रोड की तरफ आए हैं, तो हम यहाँ पर, ये करेली बरेली में लगता है, तो यहाँ पर हम आपके लिए बहुत अच्छा अच्छा, मतलब देखिए बैकग्राउंड दिखाने के लिए कह रहे हैं। देखिए यहाँ पर बहुत ही अच्छा नजारा है, तो आप हमारा ब्लॉग पूरा देखें तो आपको बहुत ही मजा आएगा। ये मेरी बहन है, हरियाली भी काफी है, अगर आप यहीं कहीं रहते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोगों ने थोड़े बहुत फोटो शूट कर लिए हैं, और यहाँ पर अभी ये अपने बाल बांध रही, इसने बाल खोल के फोटो शूट कराए थे। तो यहाँ पर हम आपको दिखा देंगे कि आपको क्या, मतलब यहाँ पर एरिया देखिए, और यहाँ पर पीछे जो आपको दिख रहा है थोड़ा, यहाँ पर इसके पीछे काफी अच्छा लगता है, आप लोग भी देख सकते हैं। और आप लोगों को पता है कि घर पे तो वैसे भी फोटो अच्छी नहीं आते, तो आप लोग बाहर आके खिंचा सकते हैं। देखिए हम लोगों के भी घर पे अच्छी नहीं आते, तो यहाँ आके खिंचा रहे हैं, ये बहुत ही अच्छा है। तो आप थोड़ी देर वेट करेंगे तो आपको हम इधर से बहुत कुछ देखिए। यहाँ पर ये हमारे यहाँ सरकारी स्कूल है, इस सरकारी स्कूल में मतलब हमारे यहाँ बहुत ही विकास है, या इसकी तरह आपको जल्दी कहीं पर स्कूल नहीं मिलेगा, यहाँ से बहुत ही अच्छा दिखता है। तो हम लोग आगे जा रहे हैं राम मंदिर की तरफ। तो बनावट में तो स्कूल मिल सकता है, पर हमारे यहाँ ज्यादातर स्कूलों में, हमारे गाँव का स्कूल सबसे ज्यादा अच्छा है पढ़ाई। ये स्विमिंग पूल है हमारे यहाँ, ये छोटा सा आपको जो दिख रहा है नीला नीला, यहाँ पर बहुत लोग नहाने आते हैं, तो आप भी यहाँ पर आइए नहाने, बहुत ही सस्ता टिकट। हमने यहाँ पर फोटो शूट कर लिए, तो हम अपने घर जा रहे हैं, तो यहाँ पर आपके लिए बहुत मजा आने वाला है। तो मतलब यहाँ पर आप देखिए कितना अच्छा एरिया है, तो यहाँ पीछे पूरे में हरियाली है, आपको इतना ग्रीन ग्रीन एरिया कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। हम तीनों ने बहुत मजे किए हैं आज। तो यहाँ पर देखिए पीछे का एरिया बहुत ही शांत रोड है, यहाँ पर पीछे बहुत ज्यादा ही हरियाली है, और बरसात की बरसात दिख रहा है हमारा कैंप। फीलिंग आते भरा मेरा दिल, लुट के न ले गया तेरा ठोडी आला दिल, इकला तेरा यहाँ। यहाँ पर उनकी जॉब होती है, तो यहाँ पर ये बहुत ही विकास है इसके वजह से हमारे गांव में। तो आपको पता चल, आप घूमने लायक, आपके लिए बहुत अच्छी जगह है, आप आइए कभी, आपको हरा हरा बहुत ज्यादा दिखाई। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बहुत ही अच्छा एरिया है, यहाँ पर हम आपको पूरा एरिया दिखा दे रहे हैं। और देखिए हम लोगों का फोटो भी आपको बहुत अच्छा दिखता होगा इसमें, क्योंकि यहाँ का बिल्कुल साफ एरिया है। और इधर पीछे हमारे यहाँ ये कॉलोनी बनी हुई है, तो यहाँ का एरिया देखिए आपको बहुत ही अच्छा है, पूरे में हरा हरा है। तो यहाँ पर आपको बहुत ही कम ऐसा है कि यहाँ पर अभी बहुत कम बनी हुई है, यहाँ पर कॉलोनी का विकास होने वाला है। तो यहाँ पर अभी इधर सब खेत है, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि ये सारे खेत है, यहाँ पर हम लोग जहाँ से जा रहे हैं। पर जब तक नहीं बना है दोस्तों, तभी तक हम लोगों के मजे हैं, फिर बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा इधर, क्योंकि यहाँ बहुत विकास होने वाला है। हमारे इधर की जमीन भी बहुत ही महंगी है, इधर का मतलब एरिया बहुत ही अच्छा है, सामने दिख रहा है ये गाँव से, ये सारे यहाँ पर हमारे यहाँ ये रिसोर्ट बोलते हैं इसी गाँव के लोग। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बहुत ही घास वगैरह है, तो यहाँ पर इस रोड पे तो साफ दिखता ही नहीं है। यहाँ पर ये हम आपको दिखाने वाले हैं, यहाँ पर बिल्कुल साफ नहीं दिखता है, तो ये रोड बहुत ही डरावना लगता है रात के टाइम में, और दिन में बच्चे यहाँ आना